आपको जब वो यहाँ पे ले आए तब आप जख्मी थी, पर बेहोशी में भी आप उनसे ऐसे लिपटी हुई थी जैसे दो नहीं एक हो। जीत की सुबह मुबारक हो। अब मस्तानी साहिबा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोग जा सकती हैं। ये हमारा कमरा है, आपके जंग का मैदान नहीं पेशो। हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सुना नहीं आपने? हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता, और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। क्यों, अचानक हम पे भरोसा नहीं है? खुद पे एतबार नहीं, राजपूत है, कहीं आपके वार का बदला ना ले बैठे। हक है आपका, आपने जान बचाई है हमारी, आपने हमारा मुल्क बचा है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा, वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं, हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैले ना इसलिए घाव चलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रहे। आपने तो सिर्फ अपनी वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है।